हाय फ्रेंड्स, दिस इज शिव फ्रॉम मरीन लाइफ बाय शिव। सो फ्रेंड्स, हाउ आर यू गाइस? आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घरों में। मैं भी यहाँ पे सही हूँ। वेयर मास्क एज कोरोना काल चल रहा है, सबसे पहली बात। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज अबाउट बबल टी पेनीमोन। बबल टी पेनीमोन को किस तरह से फीड करना है, किस तरह से उसका ध्यान रखना है और किस तरह से उसको खाना किस तरह से खिलाना है और कौन सा खाना खिलाना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो आप उसको बराबर फीड नहीं करोगे, वो श्रिंक हो जाएगा और वो बाद में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगा। तो वो हिसाब से आपको उसका कैसे केयर करना है, किस तरह से उसको लाइटिंग देनी है, कितने टाइमिंग की लाइटिंग देनी है उसको, एंड फीड किस तरह से प्रॉपर करना है। तो आज फीडिंग के ऊपर टॉपिक है। तो आज ये टॉपिक किस तरह से किया जाता है, क्या किया जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, आपके बबल टिप एनीमोन को फीडिंग करने के लिए, एनीमोन्स, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन्स को फीडिंग करने के लिए, सबसे पहले आप फीडिंग बाउल ले लीजिए। फीडिंग बाउल में 1 से 2 कप पानी आप उसमें ऐड कर लीजिए। अपने एक्वेरियम का लीजिएगा, टैंक का पानी, मरीना एक्वेरियम का। उतना लेने के बाद जू प्लैंडम जो है, मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर द टेंटिकल्स, फॉर द एनीमोन्स, फॉर द कोरल्स। ये बहुत अच्छा फूड है। अब ये 5 ml लेना है, क्योंकि 400 लीटर का टैंक रहेगा आपका, तो आप 5 ml लेना है। वो अच्छा कैपेसिटी है उतना। एंड अगर जो आपका बड़ा टैंक है तो वो हिसाब से 10 ml ले लीजिएगा। फिर अब इसके अंदर डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए आप। मिक्स करने के बाद आपको इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट छोड़ने का मतलब ये होता है कि आपका जो मरीन टैंक का जो लेवल्स है, मरीन टैंक का जो टेम्परेचर है, वो सब सेट हो जाए। अभी इसमें फूड आप डिसॉल्व होने के लिए डाल दीजिए। अभी इसमें जो फूड है, जो कि मैं माइशी श्रिम्स, ब्रेन श्रिम्स, स्क्विड्स, आर्टिमिया, ये सब चीज़ का मिक्सचर है इसमें। इसमें ब्रोकली है, इसमें सीवीड्स है, इसमें 6-7 तरह की चीज़ें हैं जो कि मैं मिक्स फूड करके मैं खुद बना के खुद डालता हूँ इनको। तो आप अगर जो ब्रेन श्रिम्स दे रहे हैं तो आप ब्रेन श्रिम्स खिलाइए उनको, और अगर जो श्रिम्स दे रहे हैं तो श्रिम्स के साथ इस तरह से मिक्स कर लीजिए उसको। ये देखिए, फूड डिसॉल्व हो गया। अब इसमें विनीगर ऐड करना है, लेकिन विनीगर ऑलरेडी मैंने फूड में ऐड किया हुआ है, नहीं तो आप 4 से 5 ड्रॉप इतने पानी के अंदर विनीगर डाल दीजिएगा एंड डिसॉल्व करके उसको 1/2 आवर के लिए छोड़ दीजिएगा। जो भी इन्ग्रीडियंट्स है पूरा अच्छी तरह एक दूसरे में मिल जाए। नाउ फीडिंग टाइम। अभी फीडिंग जो आपको करनी है, फीडिंग बबल टी पेनीमोन के माउथ के ऊपर लाके आपको उसको स्प्रे कर देना है। फीडर की हेल्प से आप अच्छी तरह स्प्रे कीजिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। जो बचा हुआ फूड है वो आपकी फिशेस खा लेगी। अभी जितना एनीमोन को फीडिंग चाहिए वो उतना फीडिंग लेगा और वो उतना ही ऑब्जर्व करेगा। और इससे प्रॉपर आप फीडिंग देंगे, टाइम पर देंगे, तो आपका बबल टिप एनीमोन या लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन या कारपेट एनीमोन अपनी प्लेस कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप उसको टाइम पे फीड कर रहे हैं और उतना ही फीड कर रहे हैं जितना उसको खाना है। आप ओवर फीड मत कीजिए उसको, जितना उसको चाहिए। आप अगर जो डेली फीड कर रहे हो तो आप उसको थोड़ा फीड कीजिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में सिर्फ 2 बार आप उसको फीडिंग कीजिए। हफ्ते में सिर्फ 2 बार फीड कीजिए आप उसको। नाउ टॉपिक इज़ अबाउट लाइटिंग। अब जैसे कि ये स्क्रीन पे आप कारपेट एनीमोन देख रहे हैं, अब इसको भी मैंने फीड किया हुआ है। इसका आप कलर देखिए, इसकी कंडीशन देखिए, अच्छी तरह ये हेल्थी है। अब इसकी जो टाइमिंग है, आपको 8 आवर्स का लाइट का टाइमिंग रखना है अपने टैंक का, क्योंकि 8 आवर्स टाइमिंग जो रहता है वो एक बैलेंस टाइम रहता है। अब ये लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन है, इसको भी आप देखिए, ये येलो लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन है। आपका टाइमिंग 12 आवर्स नहीं होना चाहिए, आपका टाइमिंग 8 आवर्स होना चाहिए। बहुत से लोग वीडियोस में बोलते हैं कि 12 आवर्स का रखिए टाइम, 10 आवर्स का रखिए, नहीं, 8 आवर्स इज़ ए परफेक्ट टाइम। आप 8 आवर्स का टाइम रखिए। टाइमिंग के हिसाब से आपका जो टाइम, जो डेली शेड्यूल है, वो हिसाब से सेट रखिएगा आप। आपके कारपेट एनीमोन, लॉन्ग टेंटिकल एनीमोन, आपके बबल टिप एनीमोन अच्छी तरह क्लाउन फिश को होस्ट करेंगे एंड दे विल स्टे प्रॉपरली। देखिए हाउ हैप्पी द क्लाउन इज, और कितने खुशी से कारपेट एनीमोन भी खुश है। नाउ लॉन्ग टेंटिकल।
लॉन्ग टेंटिकल को भी देखिए, ये 6 महीने से एक ही जगह पे, इनको मैंने फीड किया है, ये एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ये कभी मूव नहीं करते क्योंकि इनको फूड प्रॉपर मिल रहा है, फूड प्रॉपर मिल रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेकेंड, वेव मेकर। अब जब वेव जो है, वेव आप उनको ज़्यादा मत दीजिएगा कभी भी, जब भी आप फीड करते हैं तो फीडिंग के लिए कम से कम 1 घंटे का जो उनको है वेव मेकर से गैप दीजिए, वेव मेकर आप बंद कर दीजिएगा। इतना ही आपको ध्यान रखना है लॉन्ग टेंटिकल, बबल टिप एनीमोन और कार्ट पेड एनीमोन के बारे में। आप इनको प्रॉपरली फीड कीजिए, प्रॉपरली लाइट दीजिए, प्रॉपर टाइम से, कभी आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर जो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा अगर जो नए हैं मेरे चैनल पे, और अगर जो आप मेरे ऑलरेडी व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताइए कि किस तरह से फिश को रखा जाता है। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि मच्छी को लाना या कोई भी क्रीचर को लाना, कोई भी इन्वर्टिब्रेट्स को लाना और उसको रखना और वो बाद में मर जाते हैं तो वो एक अच्छी बात नहीं है। आप भी फील करेंगे उसमें कि हम कोई चीज़ लेके और हम उसका ध्यान नहीं दे पाए और वो मर जाती है, तो वो हिसाब से आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वो कभी नहीं मरेगी। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप सब कुछ करेंगे तो उसको कभी नुकसान नहीं आएगा। सो अच्छा लगा तो आपको लाइक कीजिएगा, अगर जो कोई अच्छी वीडियो चाहिए आपको और कुछ तो कमेंट कीजिएगा। सो और आपके वीडियोज़ और आपके कमेंट्स मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऑब्वियसली आई विल सी दैट, आई विल मेक द वीडियोज़ ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब, डू लाइक माई चैनल।